वेलकम जी, वेरी वॉर्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। आज ह्यूमिडिटी इतनी है कि बाहर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, तो मेरा कैमरा बार बार ब्लर हो रहा था। और आई थिंक टेम्परेचर होगा आज 38 से 42, बट इट्स फील लाइक 10 टू 15 डिग्री मोर। सो वैसे आई डोंट नो, बट गुजरती बात है कि फ्राइडे वाला दिन अक्सर गर्म ही होता। तो आज के दिन के टास्क में हमारे पास, कल तो मैं नहीं कर पाया था, वो जा ही नहीं सका था अपने क्रेन इंस्पेक्शन के लिए। आज इंशाल्लाह उम्मीद है वो करूँगा मैं। और कल दो चीज़ें, और आपको भी इंशाल्लाह गाइड करूँगा उसके बारे में कि आपका कोई भी मटेरियल जब भी आपने इंस्टॉल करना है, वो बी श्योर के आपके क्लाइंट के वेंडर लिस्ट में वो अप्रूव होना चाहिए। उसकी एक वेंडर लिस्ट होगी, उससे अप्रूव होना चाहिए, रिगार्डलेस के वो अगर खुद इजाज़त दे दे ओके यू कैन यूटिलाइज सम मटेरियल फ्रॉम लोकल मार्केट, बट जो वेंडर लिस्ट है उसको ज़रूर फॉलो करें। ये एक टिप है। ये रही जी हमारी रोज़ की जीनत, हमारी हमदान टनल। और गाइस, मतलब मैंने सिर्फ 2 मिनट वॉक की है और मुझे इस तरह लग रहा है मैं 1 घंटा वर्कआउट करने के बाद भी इतनी जो है ना वो मेरी सांस नहीं फूलती जितना अभी हो रहा है ड्यू टू ह्यूमिडिटी। तो आप सोचें कि बाहर काम करना कितना मुश्किल है विदाउट जो एनी शेल्टर। है जी हमने नाश्ता और सेम डेली रूटीन की तरह बाहर अल्लाह का वेट करते हैं। आगे हैं हम प्लांट पर, फिर चेक कर लिया सारा कुछ। चेक करने के बाद अभी क्रेन पर चलेंगे, उसका कुछ चेक करेंगे, फिर निकलेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे जुम्मा। क्या बात है जी, एमसीसी रूम हम आए हैं और इधर हमारी लोकेशन इस जगह पर है, ये वाले। तो हो गया जी, हो गया, अभी जाएंगे क्रेन की तरफ। सो जी आए हैं हम साइट पर, तो साइट विज़िट करके इंशाल्लाह क्रेन की तरफ, फिर क्रेन के सारे पार्ट चेक करके फिर चलेंगे हम जुमा पढ़ने। जुमा पढ़ के रेस्ट करेंगे, रेस्ट के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। तेज़ धूप है कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा। क्रेन के पास चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, उसके पार्ट्स भी देखेंगे इंशाल्लाह। उसके SWL यानी सेफ वर्किंग लोड इंडिकेटर एक होता है, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। अभी अभी रमल का तूफान आ गया, तो अगर तो पॉसिबल है तो मैं जाऊंगा उधर क्रेन पर, क्योंकि अगर थोड़ी देर कर दी
तो यहाँ पे नज़र आना बंद हो जाएगा, इतनी रमल यानी सैंड रेत उड़ रही है जी। इसका मेन इंजन, ये हमारे पास जो सिलेंडर है ठीक है, ये आउटरिगर्स, ये आउटरिगर है, ये बाहर निकलता है, और ये इसका बेस सिलेंडर है ठीक है, और बेस वाल्व है इसका। इसके बाद हम इधर आ जाएं तो इसके पास, इसके बाद हमारा एक लफिंग सिलेंडर होता है वो लगा हुआ है वो ऊपर, ये इसको कहते हैं जी लफिंग सिलेंडर। तो दीज आर आउटरिगर्स, ये वाले ये आउटरिगर हैं जी ठीक है। दिस वन इज मेन बूम, ये उसकी मेन हुक और ऑक्सिलरी हुक, ये दो होती हैं। मेन हुक से ये इसके 30 टन कैपेसिटी है, और ऑक्सिलरी हुक जो है वो छोटे छोटे काम के लिए यूज़ की जाती है, फॉर एग्जांपल कोई बास्केट वगैरह उठानी है तो फिर हम यूज़ करते हैं ठीक है। उसके अलावा इसमें जो सबसे ज़रूरी पार्ट है ये वाला, ये होता है जिसका कंट्रोल वाल्व, जो इसके फ्यूल को कंट्रोल करता है यानी इसके हाइड्रोलिक को। हम आए हुए क्रेन पर, चलिए आपको दिखाते हैं क्रेन का सारा हिस्सा। एक मिनट, ये इसका कैबिन हमारा दी फॉल अरेस्ट, ये जो आपको रस्सियाँ नज़र आ रही हैं फॉल अरेस्ट, ये तो हाइड्रोलिक पंप है ना इसका। तो ये SWL है जी इसका, हाँ SWL जो इसका, ये जो लोड के लिए बताता है हमारा, ठीक है ना, कंप्यूटर है उसका, कंप्यूटर है। ओके अभी ओके डिग्री और उसका मेन रिगर का, और ये हमारा लोड कितना उठा सकता है? टू टन ठीक है। आप होगा बिल्कुल, डिग्री बढ़ती जाएगी तो वो लोड कैपेसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, मतलब मैक्सिमम है ना 45 डिग्री तक ये चलते होंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो है, इसके बेस पैड भी जो है ना वो लाजम सही होना चाहिए। फिटिंग्स आर हेयर, चलिए इन्हें लेकर चलते हैं ऊपर, फिर चेक करते हैं जाके। दिस इज द मेन बॉकेट ऑपरेशन, द बेस चेकिंग मशीन। गर्मी इतनी है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी हवा चली है कि आप कितना भी पानी पी लें सॉक्स तक जो गीली हुई है, इतनी गर्मी है। साइड पे आना ज़रूरी था इसलिए आए, फिर इंशाल्लाह यहीं से जाएंगे वापस की तरफ, फिर इंशाल्लाह घर पहुँच लेंगे। और थैंक यू सो मच गाइस, सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।